हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मम्मीज ब्लॉग में आपका बहुत स्वागत है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम वेजिटेबल सैंडविच बनाएंगे। तो ये सारी वेजिटेबल्स जो मैंने ली है, मैं इनको अभी बताती हूँ। और ये मैंने ब्रेड्स ली है, ये वैसे ब्राउन ब्रेड है, आप वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं। ये चार स्लाइसेस लिए मैंने, आप देख सकते हैं चार स्लाइसेस लिए। तो इसमें मैं कौन सी वेजिटेबल यूज में ले रही हूँ आप देखेंगे फ्रेंड्स। ये मैंने खीरा लिया है, खीरे को मैंने चॉप कर लिया है थोड़ा छोटे छोटे पीसेज में। एक प्याज को भी चॉप कर लिया है छोटे पीसेज में, और गाजर को भी छोटे पीसेज में कटिंग कर ली है, और टमाटर को भी छोटे छोटे पीसेज में कटिंग कर ली है। इसका जूसी पार्ट नहीं लेंगे, टमाटर का बीजे वाला नहीं लेंगे, ऊपर वाला जो होता है वही लिया है मैंने, और जूसी पार्ट छोड़ दिया है, नीचे जूस निकल आता है थोड़ा सा। और ये शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च भी छोटी छोटी कटिंग में कट कर ली है। और ये एक बॉयल आलू है, आप देख सकते हैं मैं इसे छील सकती हूँ इस तरह से। तो आलू को मैं अभी ग्रेट करूँगी, और इन सब्जियों को मैं थोड़ा ज़्यादा चॉप करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, उससे क्या बारीक हो जाएगी तो टेस्ट अच्छा आएगा फ्रेंड्स। तो ये खीरा मैंने आपको बताती हूँ, ये जो खीरा लिया है उसके बीच का जूसी पार्ट मैंने ग्रेट नहीं करा है, मैं इसको जूसी पार्ट को वेट नहीं करूंगी, बीच वाला बीजे वाला पार्ट इस तरह से बचा दिया है मैंने। और इसके अलावा ये धनिया है, धनिया की कटिंग है, और ये आधी मिर्च ही ली है मैंने, क्योंकि बच्चों को देते हैं तो उनको मिर्च नहीं पसंद होती, और ये फीकी वाली मिर्च है, इसको मैं बारीक बारीक अभी कटिंग करूंगी। और ये सारी वेजिटेबल्स को मैं, ये चॉपर है मेरे पास, तो इस चॉपर में मैं बारीक कटिंग कर लूँगी। अभी और भी बारीक कटिंग करूँगी तो उससे टेस्ट बहुत मस्त हो जाता है, कटिंग से बहुत फ़र्क पड़ता है फ्रेंड्स। और मसालों में ये सब जब वेजिटेबल्स मिक्स करूँगी तो ये फूड फन फूड की मेयोनीज है, वेज मेयोनीज आप देख सकते हैं, ये मैं डालूँगी, जब मैं डालूँगी आपको दिखाऊँगी। और सारी वेजिटेबल्स में थोड़ा सा ये टमाटो केचप भी मैं डालूंगी, और ये थोड़ी सी ये घर की मलाई है, इसे मैंने इस तरह से क्रीमिश कर लिया है ताकि इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी। और ये काली मिर्च है, और ये नमक है। तो ये सब मैं तवे के ऊपर करूंगी, और ये देसी घी है, आप वैसे मैं देसी घी से ही बनाऊंगी, लेकिन आप बटर से भी ये सैंडविच बना सकते हैं। तो अभी मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये सारी चॉपिंग कर ली है मैंने सब्जियों की, आप देख सकते हैं बारीक बारीक चॉप कर लिया है। तो अब हम ब्रेड को स्प्रेड करने के लिए मसाला इसमें मिक्स करते हैं। तो सारी चॉपिंग मैं डाल रही हूँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, ये धनिया भी डाल रही हूँ, ये सारे गाजर प्याज जितनी भी सब्जियाँ ली थी सारी मैंने चॉप कर ली है बारीक। और ये खीरा, शिमला मिर्च, ये भी मैंने थोड़ा पार्ट में अलग अलग पार्ट में मैश कर ली है ताकि जितनी ज़रूरत हो उतना ही डालना है हमको। और एक ये आलू मैंने, बॉइल्ड आलू था, इसे मैंने ग्रेट कर लिया था, इसे भी मैं डाल देती हूँ। अब जितनी ज़रूरत होगी हमको उतनी हम वेजिटेबल्स और डाल सकते हैं, ये रख दिए मैंने एक्स्ट्रा। इसके अंदर मैं पहले ये घर की मलाई है थोड़ी सी, मैं थोड़ी सी डालूँगी ताकि इसका टेक्स्चर अच्छा आएगा फ्रेंड्स। और इसके अंदर ये मेयोनीज डालूंगी, ये वेज मेयोनीज है आप देख सकते हैं, ये मैं एक चम्मच अभी डाल रही हूँ, फिर
फिर ज़रूरत होगी तो और डाल देंगे। और ये टमाटो केचप है, ये भी डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं एक चम्मच डाल रही हूँ अभी, फिर जैसी ज़रूरत होगी और डाल देंगे। और ये काली मिर्च है, और ये नमक है, तो इन सबको अब हम मिक्स करेंगे और फिर ब्रेड में स्प्रेड करके और सैंडविच बनाएंगे। तो अब ये इसको मिक्स कर देती हूँ। और अब हम इसे ब्रेड में स्प्रेड करके अभी दिखाती हूँ। मैंने इसके अंदर एक चम्मच मेयोनीज और डाल दी है और ये सारी सॉस फिनिश कर दी है। तो आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे बढ़ा सकते हैं। तो अभी मैं सैंडविच स्प्रेड करके बताती हूँ। ये बहुत जल्दी बन जाता है, सुबह जल्दबाजी होती है, तो आप बच्चों को और बड़ों को और बच्चों के टिफ़िन में भी डाल सकते हैं, कभी भी आप दे सकते हैं। इस तरह से आप कटिंग करके रख लीजिए पहले, और मेयोनीज और सॉस डाल के और फटाफट आप तैयार करके दे दीजिए बच्चों को। और किसी को भी आप टिफ़िन में भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स। और इस तरह से मैं ये दूसरी ब्रेड स्लाइस उसके ऊपर इस तरह से रख के और तवे पे बनाऊंगी, तो आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने फ्राई पैन रख दिया है गर्म में, गैस जल रही है, और अभी इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ये देसी घी डालूंगी। देसी घी इसके ऊपर थोड़ा सा डालूंगी, इस तरह से स्प्रेड करूंगी देसी। और इसके अंदर ये जो स्लाइस मैंने बनाई है, मसाला डाला है, आप दूसरी साइड में आप मेयोनीज लगा सकते हैं, मैंने थोड़ी सी लगाई है, आप देख सकते हैं ये मेयोनीज, तो थोड़ी सी इसके ऊपर लगा के और थोड़ा सा ये मैंने देसी घी डाला है और इसके ऊपर रख दीजिए फ्राई पैन में। ये नॉन स्टिक फ्राई पैन है, लेकिन आप तवे पे भी बना सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ा ग्रीस अच्छी तरह से कर दीजिए। ये मैं देसी घी डाल रही हूँ, आप बटर भी डाल सकते हैं, देसी घी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और आपको बटर पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हैं। इस तरह से इसको प्रेस कीजिए और थोड़ा सा मीडियम गैस पे एक मिनट तक होने दीजिए। ये एक मिनट हो गया है, अब हम दूसरी साइड भी इसमें देसी घी लगा लेंगे, इससे क्रिस्पी बनेगा और टेस्ट तो बहुत मस्त आएगा फ्रेंड्स। ये दूसरी साइड भी मैंने देसी घी लगा लिया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। और इसे मैं इस तरह से एक मिनट हो गया है, नीचे से ब्राउन होने लग गई है, और इस तरह से टर्न कर दूंगी। देखिए इस तरह से टर्न कर दिए, गैस को स्लो रख दिया, अब लो मीडियम पे फ्राई कर रही हूँ, और थोड़ा सा इसमें देसी घी और इस तरह से चारों तरफ लगाएंगे तो बहुत क्रिस्पी बनेगी फ्रेंड्स। और इसे एक मिनट तक इसे और रखेंगे गैस पे। ये एक मिनट हो गया है, और एकदम लो कर रखी है मैंने गैस, आप देख सकते हैं एकदम लो है, ये लो में ही क्रिस्पी होगी, नहीं तो क्रिस्पी अच्छी तरह से नहीं होगी, तो टेस्ट भी अच्छा नहीं लगेगा। और जब तक मैंने दूसरी ब्रेड की फिलिंग भी कर ली है, और इसी के ऊपर मैं ये थोड़ी सी वेज मेयोनीज, इस तरह से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये वेज मेयोनीज इस साइड में मैं इस तरह से लगा लूँगी, जिस तरह से अपन बटर लगाते हैं इस तरह से सब जगह स्प्रेड करके। और अभी मैं इसको इस तरह से फ्राई करूँगी नॉन स्टिक पैन में, अभी फ्राई करूँगी, अभी वो ब्रेड हो रही है, गैस मैंने धीरे कर रखी है, जब ये क्रिस्पी होगी फ्रेंड्स, और अच्छी तरह से मेयोनीज लगा लेते हैं इसके ऊपर अच्छी तरह से, और इसको इस तरह से मैं बंद कर देती हूँ, आप देख सकते हैं इस तरह से बंद करती हूँ, प्रेस कर दिया, थोड़ा सा प्रेस करना पड़ता है तो अच्छी तरह से
ब्रेड होगी और मैं अभी आपको सर्व करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स। अब देखिए दोनों तरफ से क्रिस्पी हो गई है, इस साइड से भी है और इस साइड से भी, बहुत क्रिस्पी बनी है और टेस्ट में तो बहुत मस्त लगती है। मैं अभी सर्व करके दिखाती हूँ आपको। दोनों तरफ से एक एक बार मैंने तो उलट दिए, बहुत ही क्रिस्पी बनी है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप ये वेज सैंडविच कितना मस्त बना है। ये ऊपर से बहुत क्रिस्प है और अंदर से स्टफिंग भी बहुत अच्छी है और सॉफ्ट है अंदर से और ऊपर से क्रिस्प है, करारा है एकदम। तो आप इसे बहुत इजीली बना सकते हैं फ्रेंड्स। और इसे मैंने ये धनिया की चटनी है दही के साथ बनाई हुई, इसके साथ सर्व किया है। और ये टमाटर पुदीने की चटनी मैं बना के और फ्रिज में रखती हूँ तो उसके साथ बहुत मस्त लगता है ये सैंडविच। और आप किसी भी स्नैक के साथ ये चटनी लीजिए, बहुत मस्त लगती है। तो फ्रेंड्स आप बताएंगे कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। बच्चों को तो ये रेसिपी बहुत मस्त लगेगी फ्रेंड्स और आप बनाएंगे तो वो बहुत खुश होंगे इसी तरह से। और इसके अंदर आप स्टफिंग में कुछ भी डाल सकते हैं, कोई भी वेजिटेबल्स जो उनको अच्छी लगे बच्चों को वो डाल सकते हैं और जो मैंने स्टफिंग बताई है वो भी डाल सकते हैं। तो आप इसी तरह से बनाइए, खाइए और खिलाइए। और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय फ्रेंड्स, बाय।